कोविड-19 की वजह से कई परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। इसी कड़ी में भौतिकी की संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी नहीं हो पाया। इस मामले को तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया था, जिस पर सरकार ने क्वालिफाई एग्जाम की मेरिट के आधार पर एडमिशन की अनुमति दे दी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एडमिशन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। बहुतकनीकी संस्थान में एडमिशन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से की जाती है। उसी के लिए पोर्टल हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड उपलब्ध करवाता है। पिछले 5 सालों से तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन होती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं करवाया जा सका, जिस बारे में तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सरकार के पास मामला भेजा था। अब सरकार से अनुमति आ गई है कि क्वालिफाई एग्जाम के मेरिट आधार पर बहुतकनीकी संस्थानों में एडमिशन होगी। बहुतकनीकी संस्थानों के इंजीनियरिंग और फार्मेसी के ट्रेड सरकारी व गैर सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे हैं। बहुतकनीकी संस्थान में प्रवेश के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। बहुतकनीकी संस्थान में प्रथम वर्ष में स्टूडेंट्स मैट्रिक बेस पर लेटरल एंट्री का कोर्स कर रहे, जिसमें 2 साल की ITI वाले जमा 2 मेडिकल और वोकेशनल वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मेरिट बेसिस पर होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आवश्यक जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मेरिट आधार पर सिलेक्शन की जाएगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि पिछले 5 साल से तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जा रही है। इस बार कोविड-19 के चलते कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना होने के चलते मामला बोर्ड के द्वारा सरकार को भेजा गया था, जिस पर सरकार ने अनुमति दे दी है और अब क्वालिफाई एग्जाम के मेरिट आधार पर बहुतकनीकी संस्थानों में एडमिशन होगी, जिसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इस बार जो एडमिशन्स भी हैं, एडमिशन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से की जाती है, लेकिन जो उसका पोर्टल है वो HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड उस पोर्टल को उपलब्ध करवाता है। इस बार हमारी सारी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। पिछले 4 सालों से 5 सालों से हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग ही चली आ रही है, लेकिन इस बार जो नया किया है, पॉलिटेक्निक में हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन्स होती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है हमारी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने थे वो करवाए नहीं जा सके। सरकार को हमने केस भेज दिया था, सरकार से अनुमति आ गई कि आप जो है मेरिट बेसिस पे, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के मेरिट बेसिस के आधार पे पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन्स होंगी। पॉलिटेक्निक कोर्सेज हमारे बहुत पॉपुलर हैं, हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, हमारे सभी इंजीनियरिंग और फार्मेसी के ट्रेड्स सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजेस में चल रहे हैं, और ये हमारी अभी जो एडमिशन होनी है इसकी टेस्टिंग चल रही है, और बुधवार 23 तारीख से जो है ये पोर्टल पॉलिटेक्निक का लाइव कर दिया जाएगा, तो जिसके माध्यम से सभी इसमें मेरिट बेस पे होंगे। जैसे डायरेक्ट एंट्री जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं वो मैट्रिक बेस पे, एक हमारा लेटरल एंट्री का कोर्स है जिसमें कि 2 साल के ITI वाले और हमारे जो हैं +2 साइंस वाले, +2 वोकेशनल वाले बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन्स ले सकते हैं, तो उनके मेरिट बेसिस पे होगा और ये बुधवार से हमारा पोर्टल शुरू हो जाएगा, तो बच्चे उसमें अपना एंट्री करके, अपना पेमेंट करके, फ़ोटो अपना सिग्नेचर स्कैन करके, अपनी क्वालिफिकेशन डाल के चॉइसिस डाल सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगी। एट दी सेम टाइम ITI का हमारा फर्स्ट राउंड की जो सिलेक्शंस हैं वो ऑलरेडी बच्चों को उपलब्ध हैं, उसके अनुसार बच्चे अपने एडमिशन लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। फिर जब इसके बाद फर्स्ट राउंड की जो वैकेंसी बच जाएगी उसके लिए सेकेंड राउंड के लिए भी ITI वाले पोर्टल पर अपना एंट्री कर सकते हैं, उसमें अपना फिर चॉइसिस बदल सकते हैं और अकॉर्डिंगली 2 राउंड इसमें भी ITI के चलेंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑफलाइन मोड होगा। सर इसके लिए हमारा जो ITI है बेसिकली ये रेगुलेट होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से, तो उनकी गाइडलाइन आ गई हैं और इसके लिए हमारे निदेशालय में पूरी तरह तैयारियां चल रही हैं, जो भी मतलब हमें उनके माध्यम से कुछ पत्राचार हो रहा है या वो है, लेकिन इसके बारे में सभी ITIs को निदेशालय से निर्देश जारी कर दिए गए हैं
और जल्दी जैसे भी DGT और COVID-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इनको स्टार्ट कर दिया जाएगा।